Hey, what is up, guys? Welcome back to my channel, everyone. I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? सब भाई लोग यार आज गाइस फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस एंड आज गाइस यार अपन लोग उतर चुके हैं ओल्ड बाइसन पे एंड आज का गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यार उतरते मेरे को यहाँ पर एकेएम मिल चुका था एंड एकेएम जैसे मेरे को मिला ना तभी मैं देखा कि आसमान से एक बंदा टपका। अब इसको तो मैंने तगड़ा वाला फायर किया, ठीक है, और लिटरली गाइस 2 सेकंड पहले अगर मेरे को एकेएम मिल जाता है ना तो शायद उसको मैं आसमान में ही मार देता। ओके, लेकिन यार कोई बात नहीं यार, उसको निपटाएंगे, रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पर मैंने एकेएम वेकेएम उठा लिया और यहाँ पर ये लेवल 2 का वेस्ट मैंने उठा लिया। अब ये सब उठाने के बाद गाइस इधर को मैं लूटने आ ही रहा था और मैंने सोचा कि चलो इस वाले घर को भी एक बार चेक कर लेते हैं एंड तभी गाइस मेरे को ना फुटस्टेप आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मेरे को शॉटगन मिल जाता है और यहाँ पर मेरे को एक बंदा भी दिख जाता है। देखो, देखना कैसे निपटाते हैं। और ये इस वाले बंदे को तो बहुत ही प्यार से निपटा दिया, बेचारा बंदा बहुत ज़्यादा कूद रहा था। लेकिन इसका ड्रेस, OMG गाइस, इसका ड्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया तो लेना तो बनता है। अब देखो यार, जैसे मैंने ड्रेस लिया उसके बाद तभी यहाँ पर सामने मेरे को एक बॉट दिख गया। अब यार इस वाले बॉट भाई को बना वो वाला बंदा मार रहा था जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आसमान से टपका, वो वाला बंदा इस वाले बॉट भाई को मार रहा था और वो वाला बंदा ना उस वाले रेड घर के अंदर था। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को तो हिलअप कर लिया, पहले ड्रिंक व्रिंक पी लिया, भाई एनर्जी बढ़ा लो पहले। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्मोक था तो मैंने सोचा चलो स्मोक फेंकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ऊपर चढ़ने से अच्छा पहले स्मोक कर लो यार, मतलब उसको भी कन्फ्यूज़ करो ना, कन्फ्यूज़ करके मारो। तो अब देखना यार उसको कैसे निपटाते हैं। और यहाँ पर शायद आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि मेरे साथ ग्लिच हुआ, मतलब जैसे मैं ऊपर में आया स्टार्टिंग में मैंने जब फायर के बटन पे क्लिक किया लेकिन फायर का बटन क्लिक करने के बाद भी गोली नहीं चला, उसके बाद फाइनली मैंने मार दिया उसको। ओके, और देखते रहना गाइस ऐसे ग्लिचेस आज किस वाले गेम प्ले में भाई भरा पड़ा होने वाला है और देखते रहो यार, गेम प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बाकी यार अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे हो ना तो क्या कर रहे हो डूड, अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक मारो। अब देखो यहाँ पर मारता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ लास्ट ही लास्ट, मतलब हर जगह पर लास्ट ही लास्ट था यहाँ पर। तो यहाँ पर तो तगड़ा वाला फायरिंग हुआ था, मतलब फाइटिंग हुआ था यहाँ पर तगड़ा वाला। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार यहाँ से घूम लेते हैं, यहाँ से घूमा मैंने तो बट यहाँ पर कोई भी बंदा मेरे को दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकलते हैं और सीधा ड्रॉप के पास जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं जैसे ही रोड पर आता हूँ तभी देखना भाई साहब ये वाला बंदा कहां से टपक जाता है, देखो इसको कैसे निपटाते हैं। इसको मैंने बहुत ही प्यार से निपटा दिया, मतलब बहुत ही प्यार से नहीं बोलूंगा यार क्योंकि मेरा नेट पूरा हग रहा था कसम से यार, मतलब आज मतलब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ यार, मतलब मेरा जो नेट है ना वो पूरा हग रहा है कसम से बता रहा हूँ। अब आई डोंट नो यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे नेटवर्क के साथ क्या ग्लिच है पता नहीं यार, रिसर्च करना पड़ेगा उसके बाद ही मेरे को कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बाकी यार ऐसा ही हो रहा है यार 2-3 दिन से, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी यार देखो मैं सीधा गया ड्रॉप के पास और यहाँ पर भी जा सकता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक कार दिख जाता है और यहाँ पर क्या बैटल होने वाला है ना देखते रहो। क्या ही कर सकते गाइस। अब गाइस यार मतलब यार सच्ची बता रहा हूँ यहाँ पर मैं मार देता उन दोनों बंदों को मार देता अगर मेरा नेटवर्क हगता नहीं, कसम से यार नेटवर्क की वजह से ना जब मरता हूँ ना तो भाई बहुत दिक्कत होता है। अब देखो सेकंड गेम प्ले में फिर से मेरे को एक आसमान में बंदा दिखता है लेकिन मैं उसको मार नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मार पाता हूँ लेकिन मार नहीं पाता हूँ, बट जाके मैं फिनिश कर देता हूँ उसको। अब उसको फिनिश करने के बाद गए सामने की तरफ, मैंने एक और बंदा देखा था, मतलब उसके साथ ही उतरा था, आई डोंट नो वो बंदा था या फिर कौन था, तो चलो निपटाते हैं।
यहाँ पर मेरे साथ सिचुएशन ऐसा हो गया कि भैया खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी हाँ, मतलब मुझे लगा बंदा होगा लेकिन ये बॉट भाई साहब निकला। तो जैसे जैसे मैंने उसको निपटाया, उसको निपटाने के बाद जैसे मैं नीचे उतरता हूँ इस वाले बॉट भाई साहब को निपटाने, अब इसको तो मैं निपटा देता हूँ ठीक है, और तभी देखना मेरे पे तगड़ा वाला फायर होता है। इसको तो पहले मैं लूट लेता हूँ भैया ठीक है, अब देखना इसको जैसे मैं निपटाता हूँ ना तभी भाई साहब मेरे पे तगड़ा वाला फायर होता है। वो वाला बंदा मेरे को दिख जाता है जो कि जहाँ पर मैं उतरा था स्टार्टिंग में, वहीं पर ही वो वाला बंदा है। अब वो वाला बंदा वहाँ पर कैसे आया आई डोंट नो यार, मतलब इतने जल्दी वो गाड़ी लेके तो आ नहीं सकता। और जैसे मैं उतरा तब तो मेरे को वहाँ पर कोई भी बंदा दिखा नहीं था, मतलब भाई कहाँ से टपक गया वो वाला बंदा पता नहीं। अब मैं जाऊँगा उसको फिनिश करने एंड देखना यार, वो वाला बंदा कसम से बता रहा हूँ भूतिया बंदा है ठीक है, देखते रहना। अब आप लोगों ने देखा वो वाला बंदा कूदा एंड कूदने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और वो देखो उधर को भागा ठीक है। अब देखते रहना गाइस, मेरा नज़र उसी पर ही था, मतलब भाई मैंने अपना नज़र हटाया नहीं था, एकदम पूरा पूरी उसी पर ही था मेरा नज़र और मैं उसको पूरा स्पॉट कर रहा था। एंड देखना अचानक से वो गायब हो जाता है, लिटरली गायब हो जाता है। और मैं देखता हूँ वो वाला बंदा उस वाले घर के, वो देखो आप लोगों ने नोटिस किया दरवाज़ा खुला, वो देखो भाई साहब मतलब इतना जल्दी वो वहाँ पर कैसे पहुँचा आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि चलो यार बग्गी लेके उसके पास जाते हैं एंड उसको फिनिश करते हैं, लेकिन मैं जैसे वहाँ पर पहुँचता हूँ ना देखना, मतलब लिटरली गाइस ये बंदा भूतिया बंदा था कसम से, बंदा गायब यार। मतलब मैंने सोचा कि चलो यार उसके पास जाते हैं आराम से निपटाएंगे, लेकिन मैं जैसे जाता हूँ वहाँ पर बंदा गायब। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 2 सेकंड लगा होगा बगी को लेने में ठीक है। अब 2 सेकंड में वो कहाँ भाग गया, कहाँ छुप गया भाई पता ही नहीं चला यार, अजब गजब सीन हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोची चलो यार अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है, बॉट मारो केडी बढ़ाओ, तो बॉट वगैरह को खोजते हैं एंड अपना मतलब समझ रहे हो ना बढ़ाते हैं। तो मैंने सोची चलो यार बगी पकड़ते हैं, ऐसे निकलते हैं, सामने की तरफ ड्रॉप भी गिरा था, तो मैंने सोची चलो यार ड्रॉप लूट के आते हैं एंड मज़े करते हैं। एंड जैसे मैं इधर से निकलने वाला होता हूँ तभी यहाँ पर एक बॉट भाई सब दिख जाता है। यहाँ पर देखो मेरा नेट हगना स्टार्ट हो चुका है, मतलब लिटरली गाइस मेरा नेट हगना स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे से चिकन डिनर नहीं हो पाएगा यार। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब तुम्हारा नेटवर्क अच्छा रहता है ना तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई जो भी आएगा तुम पेल दोगे उसको, लेकिन जब तुम्हारा नेटवर्क हगता है ना तो क्या ही बताऊं यार, देखना यहाँ पर क्या हगेगा ना देखो। अब गाइस यार आप लोग ही बताओ, मतलब आप लोग ही बताओ यार मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपका नेट हगता है तो आपको भी पता है यार कितना गंदा फीलिंग आता है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि भाई आपका नेट पूरा हग रहा है पूरा ठीक है। अब जब आपको पता है यार नेटवर्क अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप खेल भी नहीं अच्छा सकते हो, क्योंकि यार गोलियाँ चेंज ही नहीं होता है। एक एक देखो यार, जब तुम्हारा नेटवर्क हगता है ना तो तुम्हारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो देखो। पहले तो तुम ग्लिच खाते हो ठीक है भाई, यहाँ से वहाँ जाते हो फिर से पीछे आ जाते हो, ऐसा सीन होता है। और तुम रीलोड करते हो तो भाई 10-15 बार रीलोड ही हो जाता है। और उसके बाद जो सेकेंड ग्लिच होता है कि आप गन चेंज करते हो तो गन चेंज ही नहीं होता है ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो क्या ही कर सकते गाइस, ये तो छोटा सा वीडियो गाइस। अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।